हेलो एवरीवन, वेलकम दी प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दो यूनिवर्सिटी हैं, एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी है पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिनके अंदर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई हैं। कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसके अंदर ये पोस्टें निकली हुई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की। तो इसके अंदर जो पोस्टें हैं उनमें हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें, और जो नॉन टीचिंग के अंदर पोस्टें हैं उसमें है लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और मेडिकल ऑफिसर, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ये पोस्टें यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की खाली हैं, जिन पर की भर्ती होनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो ये पोस्टें हैं वे कैटेगरी वाइज रिजर्व हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट है अप्लाइड एग्रीकल्चर की, जो कि प्रोफेसर की पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और दूसरी है अप्लाइड एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस के लिए, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए रिजर्व है। अप्लाइड एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट रिजर्व है एससी के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट अनरिजर्व है और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। बॉटनी में एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है। कंप्यूटेशनल साइंस में एक पोस्ट प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व है। इंग्लिश में दो पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनमें से एक अनरिजर्व है और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में दो पोस्टें हैं, जिनमें एक पोस्ट प्रोफेसर की है जो कि एससी के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की है, वो एसटी के लिए रिजर्व है। ज्योग्राफी में तीन पोस्टें हैं, जिसमें एक पोस्ट प्रोफेसर की है पीडब्ल्यूडीई के लिए और दो पोस्टें हैं ज्योग्राफी की एसोसिएट प्रोफेसर की, एक अनरिजर्व है और एक एसटी के लिए रिजर्व है। जियोलॉजी में एक पोस्ट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है। हिंदी के अंदर एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पीडब्ल्यूडीई के अंदर रिजर्व है और हिस्ट्री के अंदर दो पोस्टें हैं, एक पोस्ट प्रोफेसर की है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। ह्यूमन जेनेटिक एंड मोलिकुलर मेडिसिन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की दो पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लॉ के अंदर एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की एससी के लिए रिजर्व है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। माइक्रोबायोलॉजी में दो पोस्टें एसोसिएट प्रोफेसर की हैं, जिनमें से एक अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की एसटी के लिए रिजर्व है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व है और एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व। फार्मालोजी के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। फिजिकल एजुकेशन में एक पोस्ट प्रोफेसर की एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। साइकोलॉजी के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। पंजाबी के अंदर तीन पोस्टें हैं, जिनमें एक पोस्ट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी ओबीसी के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एसटी के लिए रिजर्व है। सोशियोलॉजी के अंदर दो पोस्टें हैं, एक पोस्ट प्रोफेसर की है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडी के अंदर एक पोस्ट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और जूलॉजी के अंदर एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए रिजर्व है। तो ये पोस्टें थी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है
वो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड 2018 के अनुसार जो UGC के रेगुलेशन हैं उनके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए वही यहाँ पर मांगी गई है। तो आप इसे देख लीजिएगा, आप इस लिंक पर जाके यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्हें अपने यहाँ सर्टिफिकेट बनवाने हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी के अनुसार बनवाना है। और OBC सर्टिफिकेट और EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट 1/4/2021 के बाद ही इशू किए हुए होने चाहिए, इससे पहले के यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। तो आप देख लीजिएगा इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है वो यहाँ पर 750 रुपये है। और यहाँ पर SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की, तो यहाँ पर जो इंपोस्टर के लिए पे स्केल मिलने वाला है वो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का होगा, जिसमें आपको 1,44,200 रुपये का एंट्री पे मिलेगा। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एंट्री पे है वो 1,31,400 रुपये है, जो पे लेवल 13 का है, 13A का है। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल है वो 10 का है, जिसमें आपको 57,700 रुपये मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियो बना के डालते रहते हैं। और अगर आप इस तरह की जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की, और यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट है वो है 29 मई 2022 को शाम 5 बजे तक आपको ये एप्लीकेशन को फिल कर देना है। और इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पे जाके आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और अदर क्वेरी के लिए आप इनके इस एड्रेस पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर इन्हें ईमेल कर सकते हैं इनकी मेल आईडी पर। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिवर्सिटी की, सेकंड यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा, ये एक हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं। अब देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं। तो यहाँ लगभग 11 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर प्रोफेसर की 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर की 4 पोस्टें, असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 पोस्टें खाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट खाली है लॉ के अंदर, जो कि SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। और बॉटनी के अंदर 1 पोस्ट खाली है PWD जनरल कैटेगरी के लिए। और जूलॉजी के अंदर 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। इस प्रकार यहाँ पर 4 पोस्टें खाली हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट खाली है केमिस्ट्री में, 80 कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बॉटनी के अंदर 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। जूलॉजी के अंदर 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। हिंदी में 1 पोस्ट खाली है SC कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। पंजाबी में 1 पोस्ट खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल कैटेगरी के लिए। संस्कृत में 1 पोस्ट खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की SC कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 1 पोस्ट खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल कैटेगरी के लिए। और म्यूज़िक के अंदर 1 पोस्ट खाली है EWS कैटेगरी के लिए। इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 पोस्टें खाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पे लेवल की, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर के लिए पे लेवल दिया गया है वो लेवल 14 का है, जिसके अंदर आपको 1,44,200 रुपये मिलते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल दिया गया है वो 13 का है, जिसके अंदर आपको 1,31,400 रुपये मिलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल दिया गया है वो 10 का है, इसके अंदर आपको एंट्री पे 57,700 रुपये मिलती हैं और इसके अलावा अदर अलाउंस अलग मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है तो वो यहाँ पर 1,000 रुपये हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और BCA BCB जो कि क्रीमी लेयर है उनके लिए, और 250 रुपये है SC और BCA BCB हरियाणा के कैंडिडेट के लिए। और इसी प्रकार जनरल और BC के जो वुमेन कैंडिडेट हैं क्रीमी लेयर के उनके लिए यहाँ पर 50% कंसेशन के साथ 500 रुपये फ़ीस है। और इसी प्रकार हरियाणा की SC BCE की जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। और जो डिसेबल कैटेगरी के जो PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है।
तो इसकी एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर इनके रजिस्ट्रार चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा को भेज देने हैं। आप इन्हें बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी इन्हें यहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। और आपको इनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन पोस्ट फॉर ज़रूर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप बात कर रहे थे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 29/4/2022 से, और जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन की वो है 8/5/2022 को मिडनाइट 12 बजे तक। और जो इसकी लास्ट डेट है प्रिंट आउट भेजने की यूनिवर्सिटी के अंदर वो है 25/5/2022 शाम को 5 बजे से पहले। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या बाई हैंड ये जमा करवा देनी है। और आप इस PDF को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अदर जो भी क्वेरी हैं उनके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है www.cdlu.ac.in पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।